हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस, आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है शाम से और अभी हम हैं ऊपर। तो बस ऊपर आई थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और उसके बाद हम सीधा चल दिए हैं बाहर क्योंकि हमें कुछ सामान वगैरह लेना था। तो यहाँ बाहर आ गए हैं और यहाँ देखिए हमारा बाबू जूस पी रहा है। तो मैंने कहा कुछ सामान भी लेना था और साथ साथ मैंने कहा चलो जूस वगैरह भी पी लेंगे। और यहाँ बाबू को भी ना बहुत अच्छा लगता है जूस। वैसे तो वो कोई चीज़ पीता नहीं है, बड़ी मुश्किल से पीता है, पर ये जूस वगैरह पी लेता है। तो मैंने कहा चलो जो बच्चा प्यार से पी लेना वो चीज़ पिला देनी चाहिए। और गाइस, यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें लेट हो गया था और यहाँ सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी हमें। तो वही है ना, जब बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं कि सारा काम करके ही निकलें, करके ही मतलब घर वापस जाएँ, क्योंकि फिर एक काम छूट जाता है दूसरा काम रह जाता है। तो ये होता है ना, मैं तो भाई बड़े हिसाब से चलती हूँ कि अगर हम बाहर निकले हैं तो सारा काम करके ही आएँ वापस। तो गाइस, उसके बाद हम आ गए सीधा किचन में क्योंकि हमें बनानी थी हस्बैंड जी के लिए चाय। तो यहाँ हस्बैंड जी के लिए चाय बन जाएगी और आज थोड़ी सी लेट हो गई चाय पीने के लिए। वैसे तो हमारी इवनिंग में बन जाती है चाय, पर आज हम बाहर वगैरह चले गए थे ना तो इसे लेट हो गए थे। और हस्बैंड जी को तो चाहिए ही चाहिए होती है शाम की चाय। तो वैसे तो मैं भी पी लेती हूँ अब, पहले में तो मैंने छोड़ दी थी जैसे कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, पर ये ना ये सब चीज़ें ना छूटती नहीं है, बड़ी मुश्किल से छूटती है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर चाय बनी है ना और चाय की खुशबू अगर नाक में चली जाए तो ऐसा लगता है कि बस चाय मिल जाए, चाहे थोड़ी सी सही पर मिल जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी। और यहाँ देखिए मुझे ना मच्छर बड़ा परेशान कर रहे थे। तो गाइस, वो ये ना यहाँ पे थोड़ा खुला है और मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कहीं से बंद होने का है नहीं जुगाड़, क्या करें। तो बस यहाँ पे मैं बैट वगैरह लेके आई थी और ये देखो मच्छर मारने में लग गई हूँ मैं मतलब एक तो काम का प्रेशर, ऊपर से मच्छरों का प्रेशर, क्या करें गाइस। हम हाउसवाइफ की तो ज़िंदगी बता रही, क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी तो लाइफ के बारे में। और गाइस, ये देखिए हमारी बड़ी अच्छी चाय बन गई है बिल्कुल। आप लोग भी आ जाइए, जिस जिसको चाय पसंद है वो आइए और चाय पीजिए हमारे साथ। तो यहाँ देखिए मैं चाय फटाफट से छान लूँगी और थोड़ी सी मैंने भी ले ली थी और हस्बैंड जी को भी दे दी थी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा बाबू आके सो गया था क्योंकि ना ये सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है और इसका ना कोई टाइम नहीं है सोने का, इसको जब मन करता है तब सोता है और फिर ही हमें रात को परेशान करता है। तो वही होता है ना, बच्चों को ना इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस टाइम सो रहे हैं किस टाइम नहीं सो रहे। और अगर उनको नाइट में सुलाना है तो दिन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे ना दिन में ज़्यादा ना सोएं, अगर नाइट में हम चाहते हैं कि बच्चे सो जाएं। तो गाइस, यहाँ पे बस आराम से बैठ के थोड़ी सी चाय पी लूँगी और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनाना था खाना। तो मेरे को तो लेट हो ही गया था आज, तो मैंने कहा चलो फटाफट से खाना वगैरह भी बना लेती हूँ। और यहाँ पे आज बनाने वाली हूँ बैंगन, और तो बैंगन बनाऊँगी। और बैंगन को ना मैं ये देख रही थी कीड़े वगैरह तो नहीं, क्योंकि अंदर से ना बैंगन का कुछ पता नहीं लगता। कभी कभी क्या होता है, जो लोग भून के बैंगन का भरता बनाते हैं ना, मेरे को तो डर लगता है, मैं तो कभी ऐसे बनाती भी नहीं हूँ ना, मैंने कभी बनाया, क्योंकि अगर कोई कीड़ा वीड़ा अंदर हो वो तो अच्छे से भून जाएगा, कैसे पता लगेगा। तो मैं तो भैया काट कर ही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी की तैयारी हो गई है और इसमें लगाऊंगी प्याज और टमाटर का तड़का बढ़िया सा, और कम तेल में ही बनाती हूँ। मेरे को ना वैसे मेरे हस्बैंड जी को भी ना ज़्यादा मिर्च मसाले उनको भी नहीं पसंद। तो ये नहीं कि मेरा वेट लूज़ जब से किया है तब से मैंने कम मसाले की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया, नहीं, मैं पहले से ही ऐसी थी कि कम मसाले की सब्ज़ी, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए ना कम मसाले ही बढ़िया रहते हैं, कम तेल कम मसाले। और पर कुछ लोगों को ना कुछ ज़्यादा ही चटपटा और तेज़ मसाले पसंद होते हैं, पर वो तेज़ मसाले वाला खाना हेल्दी नहीं होता है। तो जो लोग भी कुछ ज़्यादा ही तेज़ मसाले यूज़ करते हैं ना, तो उनको हिसाब से मसाले यूज़ करने चाहिए। तो गाइस, सब्ज़ी वगैरह तो मेरी हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई रोटी बनाने के लिए। और यहाँ हमारा बाबू हमारे पीछे लगा हुआ था, उठ गया था वो और बस परेशान कर रहा था। तो बस एक तरफ बन रही है सब्ज़ी और दूसरी तरफ बन रही है रोटी फटाफट से। तो गाइस, खाना पीना हमारा बन गया था, उसके बाद हम लग गए थे किचन क्लीनिंग में क्योंकि आज ना मुझे किचन को थोड़ा अच्छे से साफ़ करना था। वैसे तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ और सही रहता है अगर बीच बीच में कर दो ना तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और किचन का तो यही हाल होता है, एक तो मेरी वाइट कलर की टाइल्स हैं, इसमें थोड़ा सा भी अगर कुछ दाग धब्बे लग जाए ना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि किचन ऐसी गंदी सी है। और तो मैंने कहा चलो आज इसका नंबर लगा ही लेते हैं। और मेरे को वैसे काम वगैरह तो सब हो ही गया था, पर वो ये है कि थोड़ा सा टाइम लग गया था, पर ये है कि हो गया था, मतलब मैंने जल्दी से जल्दी मतलब ज़्यादा नहीं, मेरे को 50 मिनट लगे होंगे किचन को क्लीनिंग करने में, मैंने फटाफट से कर दी किचन क्लीनिंग। और पता है ऐसी साफ़ सफाई अगर हम बीच बीच में करते रहें ना तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, नहीं तो ये होता है ना अगर काफ़ी टाइम बाद अगर हम साफ़ करते हैं ना तो बहुत टाइम भी लगता है और जल्दी से जो दाग धब्बे होते हैं ना वो जाते भी नहीं है। इसलिए ना हमें ना बीच बीच में करते रहना चाहिए साफ़,
और मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है कपड़ा वगैरह मार ही देती हूँ, और अच्छा रहता है, किचन साफ़ सुथरी रहती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़े से ना मेरे को धब्बे से लग रहे थे काले काले से, तो मैंने साबुन सा लेती हूँ और बड़ी इजीली हो जाता है साफ़, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब दिक्कत होती है, नहीं, साबुन लेती हूँ अपना वही बर्तन धोने वाला, उसे धोने से अच्छे से टाइल्स रगड़ देती हूँ और उस पर गीला कपड़ा मार देती हूँ, तो अच्छे से टाइल्स चमक जाती है, एकदम वाइट टाइल्स है ना, बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मेरी टाइल्स तो मैंने काफ़ी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दी है, और उसके बाद मैं करूँगी अपनी मतलब गैस को भी साफ़, और गैस को ना मैं वॉश वगैरह नहीं करती क्योंकि जो हमारे यहाँ का जो पानी है ना वो खारा पानी है, मतलब जो समरसेल का पानी होता है ना वो वाला पानी है, तो जंग वगैरह लगने का डर रहता है अगर ज़्यादा धो वगैरह ना, तो मैं तो बस गीले कपड़े से अच्छे से उसको साबुन से पहले साफ़ कर लेती हूँ, रगड़ लेती हूँ, फिर गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ, तो बस अच्छे से साफ़ हो जाती है, चमक जाती है। और आज तो मैंने थोड़ी डीप क्लीनिंग करी है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, इससे सही रहता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और काम का बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पे हमारी चल रही है क्लीनिंग। तो गाइस गैस वगैरह तो अच्छे से साफ़ हो गई है, अब बारी है बर्तन की, तो यहाँ बर्तन इकट्ठे हो गए थे मेरे, तो मैंने पहले यही सोचा, मैंने कहा पहले गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ उसके बाद बर्तन वगैरह मांजूंगी। तो यहाँ देखिए इसी गैस के मेरे स्टैंड वगैरह हैं, उनको मैं अच्छे से धो धा के साफ़ करके अच्छे से रख दूँगी, और चकला बेलन भी मैं अलग ही रखती हूँ, मैं बर्तनों के झूठे बर्तनों के साथ कभी नहीं मांजती हूँ और ना ही मांजने चाहिए। मैं पहले ही परात में रख देती हूँ चकला बेलन, और जो मेरा चिमटा वगैरह होता है ना उसको पहले ही मतलब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और जो मेरी परात होती है आटे वाली इसको भी मैं झूठे बर्तनों से अलग ही रखती हूँ, कभी भी परात को ना झूठे बर्तनों में नहीं रखनी चाहिए। और वैसे तो लोगों को चकला बेलन का पता है पर मैं परात का बता रही हूँ, परात भी मैं अलग से ही धोती हूँ। और गाइज यहाँ पर देखिए काला काला आपको दिख रहा होगा, ये काला काला उस वजह से हो गया, मैं बाबू की नज़र वगैरह उतारती हूँ ना, अब मेरा बेटा छोटा है और छोटे बच्चों को नज़र भी कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो बस तेल और बाती से मैं नज़र उतारती हूँ तो बस वही काला काला लग जाता है, काला धुआं होता है ना तेल का वही लग जाता है, तो मैं वही साफ़ कर रही थी, मैंने कहा इतना बुरा लग रहा है, मैंने कहा लगे हाथ इसको भी कर ही देती हूँ, तो मैं हर बार ही साफ़ करती हूँ, हर बार यहाँ पर काला हो ही जाता है, तो बस अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। गैस वगैरह तो हो गई थी, वहाँ की स्लिप तो हो गई थी गैस के आसपास की, बाकी सिंक वगैरह का रह गया था मेरा, तो यहाँ पे भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और सच में पता है साफ़ सफाई करने में लगता तो टाइम है पर उसके बाद जो खुशी मिलती है ना बहुत, जब हमारी रसोई चमकती हुई हमें दिखती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ रात का टाइम है और हो रही है हमारी क्लीनिंग, तो क्लीनिंग मेरी आधे से ज़्यादा तो अब हो गई है, और अच्छे से सब कुछ धो धा के साफ़ करके रख दूँगी। तो देखिए गाइस फाइनली हमारे बर्तन वगैरह भी वॉश हो गए और अच्छे से हमारी हो गई है क्लीनिंग, और अब ये है हमारी कढ़ाई की बारी। तो गाइस कढ़ाई में जैसे जंग लग जाती है ना, जब हम धोते हैं उसके बाद रखते हैं तो जंग लग जाती है, तो इसका एक अच्छा तरीका है कि आप पहले उसको अच्छे से पोंछ लीजिए और गैस जला दीजिए और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए और उसको अच्छे से पोंछ के रखिए, कभी भी जंग नहीं लगती है। तो इसी के साथ गाइस करते हैं आज की वीडियो का एंड, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।